जीवन में आए खुशहाली, खेतों में आए हरियाली, खेती की नई तकनीक और पशुओं की जानकारी, पशुपालन से बढ़े आपका आय और व्यापार, कृषि दर्शन कार्यक्रम का है यही मूल आधार। और किसान भाइयों, आप सभी को हमारा जोहार और मेरे तरफ से नमस्कार। तो दीप्ति जी, आज तो बिल्कुल सही बात है कि जो कृषि दर्शन कार्यक्रम है किसान भाइयों के लिए ही है और किसान भाई के तरक्की के लिए ही है। बिल्कुल, और हमेशा कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं कृषि समाचार से, तो आज भी हमारे कार्यक्रम की शुरुआत हम करेंगे कृषि समाचार से। और संजय जी, इसके तहत हम क्या क्या जानकारी देते इसके हैं? इसके तहत हम लोग नई नई तकनीक, मौसम का जानकारी और क्या है मंडी भाव, इसकी जानकारी लेते हैं। तो बिना देर किए हम और संजय जी और किसान भाई, हम सब मिलकर देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है, मैं हूं हिमांशु शेखर। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। राष्ट्रीय बागवानी मिशन पॉली हाउस और नेट शेड की स्थापना के लिए दे रहा है 50-75% तक अनुदान। कम रोपा वाले जगहों में लागू की जाएगी वैकल्पिक कृषि योजना। हिल पर बीजों की बुआई के लिए उत्तम है नवीन डिबलर। पॉली हाउस और नेट शेड सब्जी, फूल और औषधीय पौधों के बेहतर उपज और बेमौसमी फसलों के लिए बहुत ही उपयोगी है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन पॉली हाउस और नेट शेड की स्थापना के लिए किसानों को 50-75% तक अनुदान देती है। बेमौसमी सब्जियों की खेती, फूलों और औषधीय पौधों की खेती के लिए पॉली हाउस और नेट शेड बेहतर होता है। ये साधन महंगे होने के कारण किसान इसके इस्तेमाल से वंचित रह जाते हैं। राज्य के किसान इन पॉली हाउस और नेट शेड लगाकर बेहतर उपज पा सकें, इसके लिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन इसकी स्थापना के लिए 50-75% तक राशि अनुदान देती है। इस वर्ष कम वर्षा के कारण राज्य के कई हिस्सों में बहुत ही कम रोपा हुआ है। किसानों के साथ साथ राज्य सरकार के लिए भी चिंता का विषय है। इसी के मद्देनजर कृषि विभाग कम रोपा वाले जगहों से वर्षा के आंकड़ों के हिसाब से वैकल्पिक कृषि योजना तैयार कर रही है। आवश्यकता अनुसार इस योजना को लागू किया जाएगा। मिर्च की खेती से अच्छा मुनाफा कमाने के लिए किसान मिर्च के उन्नत प्रभेद पूसा सदाबहार, पूसा ज्वाला और NP46A लगा सकते हैं। ये प्रभेद अच्छी फसल देने में सक्षम है। पूसा सदाबहार, पूसा ज्वाला और NP46A, ये नाम है मिर्च के उन्नत किस्मों के। ये किस्में झारखंड की मिट्टी और जलवायु में अच्छी उपज देती हैं। इन किस्मों के 500-600 ग्राम बीज एक हेक्टेयर के लिए काफी होता है। अगस्त से सितंबर तक इन किस्मों की बुआई कर और उचित कृषि कार्यों द्वारा 80-100 क्विंटल तक हरा फल प्राप्त किया जा सकता है। सुकरों को विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचाने के लिए टीका लगाना अत्यावश्यक होता है। कौन सा टीका कब और कितनी बार लगाना है, बता रहे हैं हमारे आज के विशेषज्ञ। सुअर पालन में मतलब आप मतलब सुकर पालन के लिए मतलब जितने भी मतलब आप देखभाल करते हैं उसके अलावा मतलब उनको कृमिनाशक दवा जरूर दिया जाए, और साल में कम से कम मतलब सुकरों को मतलब 2 बार या 3 बार मतलब कृषि कृमिनाशक दवाएं दें और टीकाकरण अवश्य कराएं। हिल पर बीजों की बुआई को आसानी से करने के लिए कृषक बंधु नवीन डिबलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह उपकरण एक दिन में लगभग 3,500 हिल पर बीजों की बुआई कर सकता है। इस उपकरण का नाम है नवीन डिबलर। यह उपकरण हिल पर बीजों की बुआई कार्य को आसान बनाता है। इस कृषि उपकरण द्वारा एक दिन में लगभग 3,500 हिल पर बुआई की जा सकती है। इस उपयोगी उपकरण को प्राप्त करने के लिए कृषक बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अभियंत्रण विभाग से संपर्क कर सकते हैं। अब आइए चलते हैं सफल किसान के पास और उनसे मिलकर जानते हैं उनके सफल कृषि जीवन के बारे में। ये शख्स अपनी खेती बाड़ी के काम से पूरी तरह संतुष्ट हैं। इनके साथ इनका पूरा परिवार भी कृषि पर ही निर्भर करता है। इनका मानना है कि कोई भी इंसान खेती बाड़ी करके अपने परिवार को बेहतर जीवन दे सकता है। मैं खेती बाड़ी करता यही धान का। पहले तो खेती बीज बहुत डालते थे,
अब कम डाल रहे हैं, खेत में किलो दो किलो का बीज बो रहे हैं, उससे खेती कर रहे हैं श्री विधि से, उसमें बहुत उपज होता है। पहले कम उपजता था, अभी बहुत उपज हो रहा है, इसमें फायदा बहुत बुझाता है। इसी से हम खेती से गुजर बसर करते हैं और अच्छा जीवन पाल रहे हैं। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज जहां खाद्यान्नों के मामले में राज्य की मंडियां पिछले सप्ताहों के मूल्य पर स्थिर रही, वहीं सब्जी मंडियों में हरी सब्जियों, टमाटर और प्याज के मूल्यों में अच्छी खासी तेजी देखी गई। मौसम की स्थिति को देखते हुए सब्जी उत्पादकों का मानना है कि अभी सब्जियां महंगी रहेंगी। वहीं कुछ खाद्यान्नों के आज के भाव इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मध्यम न्यूनतम 2000 रुपए से लेकर अधिकतम 2200 रुपए, दाल अरहर न्यूनतम 6200 रुपए से लेकर अधिकतम 7100 रुपए, गेहूं न्यूनतम 1600 रुपए से लेकर अधिकतम 1800 रुपए और चीनी न्यूनतम 3700 रुपए से लेकर अधिकतम 3850 रुपए। और अब एक नज़र राज्य के चार प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के चार प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस, जमशेदपुर अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस, धनबाद अधिकतम 33.8 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस और हजारीबाग का तापमान अधिकतम 31.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही, अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार, जोहार। ए लो, और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है, अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई, आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। तो दीप्ति जी, कृषि समाचार में हमने नई नई तकनीक की जानकारी ली, साथ ही मौसम का मिजाज भी जाना। कार्यक्रम में और क्या खास है किसान भाइयों के लिए आज के? आज हम जानकारी देंगे सरगुजा की वैज्ञानिक खेती किस तरह से होती है। इसके लिए अभी अगस्त से सितंबर का महीना बिल्कुल उपयुक्त है। और संजय जी, आपके मन में भी बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे, किसान भाई बंधुओं के मन में भी आ रहे होंगे। जी दीप्ति जी, जैसा कि अभी मानसून कम है, पानी कम हुआ है, तो सरगुजा एक बेहतर वैकल्पिक फसल का रूप ले सकता है, खासकर किसान भाइयों की आमदनी को जो कुछ कमी आएगी धान और मुख्य फसलों के उपज से, तो सरगुजा काफी हद तक उसको दूर कर सकता है। बिल्कुल, और सरगुजा की खेती के लिए जिस तरह से हम मौसम के मिजाज को ध्यान में रखते हैं, खेतों की जानकारी अच्छे से होनी चाहिए, मिट्टी जांच होनी चाहिए। इसके साथ साथ हम यह ध्यान देते हैं कि सिंचाई के साथ साथ कौन से खाद्य पदार्थों का प्रबंध करेंगे, जिससे खादों का सही रूप से प्रबंध करेंगे। जी तो किसान भाइयों, लीजिए विशेष जानकारी सरगुजा की वैज्ञानिक खेती। मैडम जी, हमें ये बताइए कि जो आज का विषय है कि सरगुजा की खेती की वैज्ञानिक विधि क्या है, तो इस विषय में जानकारी देने के लिए हमें पहले ही बताइए कि इसके जो प्रमुख किस्में हैं ये कौन कौन सी हैं। बिरसा नाइजर, जिसे सरगुजा कहते हैं, हमारे यहाँ तेलहन के रूप में प्रमुख फसल लिया जाता है हमारे झारखंड में, और लोहरदगा में भी ये बहुत अच्छे मात्रा में इसकी फसल ली जाती है। इसमें प्रमुख है बिरसा नाइजर 1, जो कि 6 से 7 क्विंटल उपज देती है पर हेक्टेयर। इसमें 42% तेल होता है। फिर है बिरसा नाइजर 2, ये 95 से 100 दिनों में तैयार होने वाली फसल है। ये 5 क्विंटल पर हेक्टेयर इसकी उपज है और इसमें 40% तेल होता है। फिर बिरसा नाइजर 3 है, ये 100 से 105 दिनों में तैयार होने वाला किस्म है, जिसमें 6 से 7 क्विंटल उपज होती है और इसमें 39% तेल होता है। इसके अलावा GNC6 है, जो कि 100 से
105 दिनों की वैरायटी है और ये 40% इसमें तेल होता है। तो मैडम जी, हमें किसान भाइयों को ये बताइए कि ये जो बरसात का मौसम है, ये जो सरगुंजा जो फसल है, ये फिर लगी है या फिर लगेगी, इसका उचित समय क्या है कि कौन समय में लगाने से इसका उचित फसल हो? हाँ, मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगी कि जो सरगुजा है, अभी जो हम गोड़ा धान लेते हैं और उड़द लेते हैं, उसके कटाई के बाद ये अगस्त मध्य से सितंबर फर्स्ट वीक में लिया जाता है, इसकी बुआई की जाती है, जो अभी इसका उचित समय है। जो किसान भाई गोड़ा धान काट चुके हैं या उड़द जिनके यहाँ कटाई हो चुकी है, वो अपने खेतों की तैयारी कर लें, अभी सरगुजा की बुआई का उचित समय है। और तैयारी 3 से 4 जुताई करने के बाद अपना पाटा से खेत तैयार कर दें। जो किसान भाई कतार से कतार तक इसकी बुआई करते हैं, उसके लिए बीज दर है 6 kg पर हेक्टेयर, और जो छिटाई से करते हैं उसका 8 kg पर हेक्टेयर इसका बीज दर है। और इसमें कतार से कतार तक की दूरी है 30 cm और पौधे से पौधे तक की दूरी है 15 cm। लेकिन जो अगस्त सितंबर में पिछात जो बुआई करेंगे, वो पौधे से पौधे तक की दूरी को कम कर दे, यानी कि 15 से घटा करके 10 cm कर दे और इसकी बुआई करें। और इसमें जो जब बुआई करेंगे उस समय में इसमें दीमक का प्रकोप होता है, इसलिए 25 kg पर हेक्टेयर लिंडेन धूल, जो बाज़ार में लिंडेन धूल मिलता है, उसका छिड़काव कर लें। और खाद जो इसमें डाला जाएगा वो 25 kg यूरिया, 45 kg DAP और 34 kg म्यूरेट ऑफ पोटाश जुताई, अंतिम जुताई के बाद, ये बुआई से पहले ये उर्वरक अपने खेतों में इस्तेमाल करें। तो मैडम जी, आप किसान भाइयों को बताइए कि मतलब जो भूमि का चयन अगर करना चाहे तो किस हिसाब से कहाँ पर लगाएं, कि कौन कैसी भूमि होनी चाहिए इसके? ये टाँड में आप जो गोड़ा धान लगाते हैं, जो टाँड भूमि है आपकी, ऊंची जमीन है, उसमें इसकी बुआई कीजिएगा, जहाँ जल जमाव ना हो। तो इनका बीज दर क्या होता है मैडम जी, किसान भाइयों को बताइए? इसमें बीज दर जो कतार से कतार तक बुआई करते हैं, जो हल के पीछे बुआई करते हैं, उसमें 6 kg है। और जो छिड़काव करते हैं, जो ब्रॉडकास्टिंग जिसको कहते हैं, वो करते हैं, उसमें 8 kg, बीज दर 2 kg बढ़ा दें। तो मैडम जी, हमें किसान भाइयों को ये बताइए कि इनका तकनीकी कुछ उस टाइप ये है, तो थोड़ा जानकारी दीजिए। हाँ, ये तो लगाने की विधि के बारे में, इसमें जो मुख्य कीड़े होते हैं वो दीमक का प्रकोप इसमें होता है, और बिहार हेरिकेटर पिलर का होता है, जिसमें कि 3 cc नुआन या फिर इंडोसल्फान 35 EC 1 लीटर 800 लीटर पानी में घोल तैयार करके 15 दिन के अंतराल पर इसका छिड़काव करें। और खरपतवार में जो इसमें होता है, इसमें आप जो खेत की तैयारी करते हैं उस समय में फ्लूक्लोरालिन 45 EC दें, ये खेत तैयारी करते समय दें, इसका छिड़काव करें, या फिर एलाक्लोर दें 45 EC, ये देंगे वो बुआई के 1 से 2 दिन के बाद, 2 लीटर पर हेक्टेयर इसकी मात्रा है, या फिर आइसोप्रोट्यूरोन 75% धूल आता है, इसका छिड़काव 15 दिन के अंतराल पर करें। तो इसमें आपका जैसे कीट प्रबंधन के बारे, जैसे आप बताया कि दीमक लगते हैं इसमें, हाँ। तो दीमक को किस हिसाब से बचाव कर सकते हैं? दीमक को तो ये दीमक, चूँकि हमारे झारखंड में दीमक का प्रकोप बहुत ज़्यादा है, चाहे वो मकई में हो चाहे सरगुजा में हो, तो ये इसकी बचाव सबसे अच्छा है कि जब आप बुआई कर रहे हैं, खेत की तैयारी कर रहे हैं, उस समय आप 25 kg लिंडेन धूल बाज़ार में उपलब्ध है, वो पर हेक्टेयर की दर से आप खेत की अंतिम जुताई के बाद उसका छिड़काव कर दें, जिससे किसान भाइयों को दीमक से छुटकारा मिले, यानी कीट प्रबंधन से बचाव कर सकते हैं। तो मैडम, किसान भाइयों को ये बताइए सरगुंजा की खेती के बारे में, कहे कि अभी बरसात का सीजन है, अभी लगाने का समय है, उचित समय है, हाँ। वो आने वाला है समय, हाँ। उचित फसल के लिए जैसे है कि खरपतवार या फिर उसका रख रखाव किस तरीके से? खरपतवार में तो मैंने बताया जो हाँ आइसोप्रोट्यूरोन 75% धूल 1 kg पर हेक्टेयर की दर से इसका 15 दिन के अंतराल पर इसका छिड़काव करें। और ये जब इसकी
इसके जो फसल पक तैयार हो जाती है नवंबर लास्ट और दिसंबर फर्स्ट वीक में, तो ये उसको अच्छे से सुखा करके 10-12% नमी जब रहे, क्योंकि उसके बाद दिसंबर में ठंड पड़ेगा तो नमी की मात्रा 10-12% हो, और उसका भंडारण करें ज़मीन से 1.5 से 2 फीट ऊपर बोरा में भरें, और दीवार से जो भी इसका आप स्टोरेज या भंडारण कर रहे हैं वो दीवार से दूर रखें और ज़मीन से 1.5-2 फीट ऊपर बोरे में भर करके, और इसमें यदि आप कुछ दवा ना डाल करके स्टोर करना चाहें तो आप इसमें नीम का पत्ता 8 किलो में आप 1 किलो नीम का पत्ता करके आप इसको सुरक्षित रख सकते हैं। तो मैडम जी, जैसे सुरगुंजा की खेती जैसे कि बरसात का मौसम है, तो इसके लिए जैसे अधिक उपजाऊ माने उत्पादन के लिए इसमें क्या क्या तरीके अपनाएं और कैसे हम ज़्यादा उत्पादन कर सकते हैं? किसान भाइयों को मैं बताना चाहूँगी कि सबसे पहले सरगुजा की अच्छी फसल लेने के लिए वो अच्छे बीज का उपयोग करें, अच्छे या तो बिरसा एग्रीकल्चर से आप बीज की व्यवस्था करें, अच्छे उत्तम बीज लें, और जो आप बरसात के समय में सरगुजा में सबसे ज़्यादा ध्यान आपको देना है कि पानी का जमाव ना हो, ऐसे टाढ़ में पानी का जमाव नहीं होता है, फिर भी बरसात चूँकि इस बार अभी बहुत ज़्यादा हो रहा है तो पानी जो है उसमें जल जमाव ना हो, इसके लिए निकासी की अच्छी व्यवस्था करें। तो डॉक्टर साहब, आपने इतनी अच्छी अच्छी जानकारी दी किसान भाइयों को, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिकर ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जा करके कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ तो संजय जी, हमने कितनी अच्छी जानकारी ली सरगुजा की खेती की। जी दीप्ति जी, एक फसलों में खरपतवार आपको जैसे मालूम है कि बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, ना सिर्फ दूसरे पौधों को मुख्य फसलों को बढ़ने से रोकते हैं बल्कि उनका जो पोषक तत्व है, जो खाद उर्वरक हम लोग छींटते हैं, उसका भी बहुत हद तक अवशोषण कर लेते हैं। बिल्कुल, और किसान भाई बंधु, आप सब जानते हैं खरपतवार वह पौधा होता है जो कि अनवांछित रूप से आपके खेतों में उगाता है, और आज जैसे कि संजय जी बता रहे हैं कि गाजर घास एक खतरनाक खरपतवार है। जी दीप्ति जी, और इतना खतरनाक है कि अगर इसका नियंत्रण न किया जाए तो हमारे मुख्य फसल को पूरी तरह से चौपट कर सकता है। बिल्कुल, और जब हम इसे खतरनाक कह ही रहे हैं तो क्यों ना इसका उपचार किया जाए, किस तरह से अपने खेतों से इसे हटाना ये जानना तो बहुत जरूरी है। जी दीदी, तो देर किस बात की, जल्दी हमारे किसान भाइयों को जानकारी दे। बिल्कुल, तो किसान भाइयों, अगर गाजर घास के बारे में आप नहीं जानते हैं तो आपको आज के कार्यक्रम में हम जानकारी दे रहे हैं कि गाजर घास क्या है, किस तरह से यह खतरनाक खरपतवार है और इसका नियंत्रण कैसे किस प्रकार किया जाए। आइए इसी की जानकारी ले रहे हैं, और जानकारी दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर शंकर सिंह। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमारे किसान भाइयों को बताइए कि ये गाजर घास है क्या? देखिए, ये गाजर घास जो है पार्थेनियम के नाम से इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में गाजर घास बोलते हैं, कांग्रेस ग्रास बोलते हैं, छदक चांदनी बोलते हैं और गांधी टोपी, ये 3-4-5 नामों से इसको हम लोग जानते हैं। और ये गाजर घास जो इसका ओरिजिन है वो वेस्ट इंडीज और उत्तरी अमेरिका में इसको पाया जाता था, जहाँ ये मूल रूप से वहाँ पाया जाता है। वहीं से ये गाजर घास सर्वप्रथम महाराष्ट्र में देखा गया 1956 में, और ये जो गाजर घास है वो 1956 में महाराष्ट्र में आया, जब हम गेहूं का बीज जब अमेरिका और कनाडा से आयात किए, उसी के साथ ये गाजर घास हमें यहाँ पर मिला। गाजर घास का जो ऊंचाई है वो 1 मीटर से लेकर 1.5 मीटर होता है। इसका फूल जो है उजला होता है, पत्ती गाजर के तरह का होता है, और एक पौधा में 1000 से लेकर 5000 बीज पैदा होते हैं जो पुनः गिरते हैं और जन्म जाते हैं, जर्मिनेट कर जाते हैं, और इससे जो है वो दिन पर दिन ये बढ़ते जा रहा। आज जो विश्व का मानचित्र पर अगर देखें तो 35 मिलियन हेक्टेयर में गाजर घास का प्रकोप फैला हुआ है।
अब डॉक्टर साहब हमारे किसान भाइयों को बताइए कि ये तो आपने बताया कि कहाँ से आया, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, ये देखने में कैसा होता है, अब बताइए कि इससे हमारे किसान भाइयों को क्या हानि है। देखिए सबसे पहले अगर हानि की बात हम करते हैं तो इससे सबसे मनुष्य में इसमें एक जीमा फैलता है, चर्म रोग होता है, अस्वस्थामा इससे बढ़ता है, और हाँ और किसी किसी व्यक्ति को इतना एलर्जी है इस घास से कि जब उस रास्ते से गुजरता है जहाँ पर घास है तो उसको अस्थमा बढ़ जाता है, छींक आने लगता है, और कभी कभी वो इतना दम फूलने, दम का शिकायत होता है और दम फूलने लगता है। खासकर अगर हम पौधा की बात करें तो ये जो गाजर घास है इस ऊपरी ज़मीन से लेकर के नीचे ज़मीन तक, अगर कहा जाए जम्मू कश्मीर से लेकर केरला तक गाजर घास का प्रकोप भारतवर्ष में पाया जाता है। ये सभी तरह के मिट्टी में उपजने की इसकी क्षमता है, एसिडिक से लेके अम्लीय मृदा से लेके अल्कलाइन जमीन जो है उसमें भी, और जहाँ पानी लगा हुआ वहाँ भी होगा, जहाँ सूखा है वहाँ भी होता है, जहाँ दलदलीय मिट्टी है वहाँ भी गाजर घास होता है। और इससे हमारा जो उपज क्षमता है जहाँ पर उसमें 40% की कमी आज देखा गया है, गाजर घास जहाँ भी है, जहाँ जिस फसल में है उसमें 40% की कमी आती है, तो ये गाजर घास। दूसरा चीज़ है कि अगर जानवर खा लेता है, चर लेता है या वहाँ से गुजरता है तो उसको भी स्किन डिजीज होता है, चर्म रोग जानवरों में होता है, अगर ज़्यादा खा लिया तो वो जानवर मर भी सकता है। तो ये हमारा प्रकोप है ये गाजर घास का। और आप देखेंगे कि रेलवे ट्रैक पर, तालाब के किनारे, सड़क के किनारे या जहाँ से रास्ता खाली ज़मीन जो पड़ा हुआ है वहाँ गाजर घास आपको बहुतायत मात्रा में देखने को मिलेगा और ये रोग फैलाने में सहायक हैं। डॉक्टर साहब अभी थोड़ा सा फिर हम इतिहास में जाना चाहते हैं। जैसा कि आपने बताया कि वो वेस्ट इंडीज़ से चल के हमारे भारत तक आया था, अब ये हम जब महाराष्ट्र में जब ये पहली बार लगा तो ये एक स्थान से दूसरे स्थान फैलता कैसे है? देखिए अगर हम कहीं से बीज लाते हैं तो वो बीज में उसका एकदम छोटा छोटा बीज होता है, चाय की पत्ती टाइप का, और उस बीज के साथ वो चला आता है। दूसरा है कि चिड़ियाँ खा ले तो वो भी फैलाता है, पैर के द्वारा चला आता है, इतना छोटा बीज है कि हवा के द्वारा भी उसका स्प्रेड एक स्थान से दूसरे, पानी के द्वारा कहीं अगर पड़ गया तो वो न सड़ता है न जल्दी गलता है, और वो जहाँ गिर गया वहाँ जन्म जाता है। तो ये गाजर घास का फैलाव इसी प्रकार से पहाड़ से लेकर समुद्र तक होता है इसका फैलाव। अब विस्तृत रूप से इसकी जानकारी दें हमारे किसान भाइयों को कि इसका नियंत्रण कैसे करें। देखिए किसान भाई एक बात मान ले, जान ले कि इसका नियंत्रण 3-4 प्रकार से किया जा सकता है। पहला है वैधानिक विधि, जो सरकार को एकदम रोक लगा देना चाहिए कि किसी भी बीज में अगर गाजर घास का बीज है तो उसकी बिक्री या दूसरे राज्यों में ना जाए, तो ये तो वैधानिक तरीका से इसका रोक हो गया। दूसरा है यांत्रिक विधि से, अब हम उस गाजर घास को उखाड़ करके, इसमें एक ध्यान देना है फूल आने के पहले, चूंकि जब फूल आ जाता है तो बीज बन जाता है तो फिर उसका बड़ा मुश्किल है रोकथाम, तो फूल आने के पहले गाजर घास को उखाड़ करके कहीं गड्ढा खान करके उसमें दबा देना चाहिए या उसको जला देना चाहिए। परंतु अगर फूल आ जाता है तो उसको जमाने से फिर वहाँ से वो जन्म जाएगा, तो ये ध्यान देना है किसान भाई कि गाजर घास जहाँ भी हो तो फूल आने के पहले उसको उखाड़ना है, और जैसे अभी फूल आ गया है गाजर घास में तो उसको अगर उखाड़ के कहीं जमा गाड़ेंगे तो पुनः जन्म जाएगा, या जलाने से भी उसका बीज छिटक जाता है, जलता नहीं है, तो ये इसके साथ एक प्रॉब्लम है, तो उसको फूल आने के पहले। दूसरा जो एक विधि है कि हम ऐसा पौधा वहाँ पर लगा दें, जैसे चकवड़ होता है, अगर चकवड़ का बीज हम छिटक दें जहाँ पर गाजर घास ज़्यादा मात्रा में होता है तो उसको रोक देगा, उसका बढ़वार को चेक कर देता और धीरे धीरे वो अपने फैल जाएगा, वो गाजर घास को मार देगा। अरे वाह, तो ये एक तरीका है। तीसरा जो विधि है वो रासायनिक विधि है, यांत्रिक विधि थोड़ा महंगा पड़ता है,
लेकिन जो ये कचवड़ वाली चकवड़ वाली जो बात है वो सस्ता भी है और सबसे सुगम भी है। रासायनिक विधि में इसमें एट्राजिन का छिड़काव हम करते हैं फूल आने पर या फूल आने के पहले, तो एट्राजिन 1.5 से 2 केजी 600 से 800 लीटर पानी में घोल करके उस पर छिड़काव करते हैं। राउंडअप हो गया उसका छिड़काव करते हैं, और एलाक्लोर ये 3-4 जो विडिसाइड है शाकनाशी है उसका हम छिड़काव करते हैं तो गाजर घास पर नियंत्रण पाया जा सकता है। दूसरा एक है कि इसको जैविक तरीका से एक ऐसा कीट मैक्सिकन बीटल करके एक कीट आती है उसको लाया गया है मैक्सिको से, और उसको पत्ती पर जब छोड़ देते हैं तो उसको खा करके पूरा चट कर जाता है, तब गाजर घास का नियंत्रण हो जाता है। और ये भी एक सुगम तरीका है, कम से कम पैसा लगाकर इसका नियंत्रण किया जा सकता है। तो देखा किसान भाइयों, डॉक्टर साहब ने कितनी अच्छी जानकारी दी गाजर घास के नियंत्रण के बारे में। ये तो एक खतरनाक मतलब खरपतवार है जो दिन प्रतिदिन हमारे फसल को बर्बाद करते जा रहा है। डॉक्टर साहब आप हमारे कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डिप्टी जी। आज के कार्यक्रम में हम लोगों ने किसान भाइयों को सरगुजा की वैज्ञानिक खेती के साथ साथ गाजर घास के नियंत्रण के लिए विस्तार से जानकारी दी। और संजय जी, कृषि दर्शन ऐसा कार्यक्रम ऐसा मंच है जहाँ किसान भाई बिना किसी निसंकोच के अपने सवालों को हमारे सामने रख सकते हैं। तो किसान भाइयों, देर किस बात की, अगर आपके भी मन में कोई सवाल हो या कोई सुझाव हो तो कृपया हमें पत्र लिखें। तो किसान भाइयों, कागज कलम उठाइए, अपने सलाहों को लिख भेजिए हमारे इस पते पर। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। तो किसान भाइयों, पत्र देना न भूलिएगा, हमें रहेगा आपके पत्र का इंतजार। तो संजय जी, आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। अगले दिन अगले अंक में हम और आप फिर से आएंगे कृषि जगत की बहुत सारी जानकारी लेकर। तब तक के लिए किसान भाइयों, हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार, नमस्कार।